नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल दोस्तों, हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं 1000 स्क्वायर फुट स्लैब में, मतलब कि 1000 स्क्वायर फुट छत में आपका कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी में आपको लग जाएगा, प्लस उसका रेट क्या लग जाएगा। दोस्तों ये जो मैं रेट बताने वाला हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला आप सभी के नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर आप अपने घर का स्लैब डालने वाले हो 1000 स्क्वायर फुट तक का, तो आप बहुत आराम से यहाँ पे एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि एग्जैक्ट रेट है, इतना ही पैसा लगेगा आपको स्लैब डालने में, लेकिन दोस्तों ये इससे आपको मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा और फिर आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन बिठा सकते हो कि आपको कितना पैसा लग जाएगा 1000 स्क्वायर फुट स्लैब डालने में। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा नॉलेज होने वाली आप सभी के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मटेरियल कॉस्ट बताने वाला हूं और उसका हिसाब किताब के लगभग कितना पैसा उसमें लगने लग जाएगा। मैं यहां पे ना तो कोई लेबर कॉस्ट जोड़ने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों लेबर कॉस्ट जगह जगह इस हिसाब से डिफरेंट होता है और दोस्तों वो पहले से ही आपको पता होता है कितना लगभग हमारा लेबर कॉस्ट लगेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वाला है वीडियो आप सभी के लिए कि आपको एक स्लैब डालने में 1000 स्क्वायर फुट स्लैब आपके पास, तो वहां पे आपको कितने पैसे लग जाएंगे रोड़ी डस्ट में, मतलब बालू में, या और गिट्टी में, मतलब रोड़ी में, तो इस हिसाब से, और स्टील में। तो इन सभी का कॉस्ट मैं आपको कॉपी पेन के ऊपर लेकर फटाफट बताता हूँ। चलिए दोस्तों खिसक कॉपी पेन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा के दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेज वीडियो होगी जो भी हमारे चैनल पे आती है घर से रिलेटेड, और घर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं वीडियो लाता हूं अपने चैनल पे दोस्तों, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखेंगे, तो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, तुरंत हमारी सारी वीडियो टाइम टू टाइम पे देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों सीधा वीडियो पे आते हैं और सीधा कॉपी पेन पर चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट स्टील फॉर 1000 स्क्वायर फीट स्लैब। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट स्लैब का आपको क्वांटिटी निकालना है, यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं मोटा मोटा क्वांटिटी बताऊंगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं बताने वाला मैं, और सीधा आप इस मोटे मोटे क्वांटिटी से आपको अंदाजा आ जाएगा मोटा मोटा कि आपको कितना पैसा लग जाएगा 1000 स्क्वायर फुट तक के स्लैब में। और हमने जो स्लैब लिया है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 25 फुट इधर से और 40 फुट इधर से लिया है, जो कि आपका 1000 स्क्वायर फुट बैठता है। और उसमें स्टील जो हमने यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 का यूज किया है, और मेन बार जो हमने 10 का यूज किया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कितना, यहाँ पे हम सीमेंट सैंड सब कुछ जानेंगे, मगर उससे पहले जान लेते हैं कि इसमें यहाँ गिवन क्या है। यहाँ पे हमने जो रेशियो यूज किया है स्लैब में, वहां हमने 1.5-3 का यूज किया है, और जो थिकनेस रखी है स्लैब की 5 इंची रखी है। तो लंबाई चौड़ाई आप जैसे देखिए देख चुके हो 40 और 25 का यहाँ पे लंबाई चौड़ाई है। अब दोस्तों ये रेशियो जो हम नॉर्मली हमें ये रेशियो डालना चाहिए, लेकिन गांव घर में बहुत कम देखा गया कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग स्लैब डलती है। तो बाकी वो चीज़ आप देख सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो अगर आप इससे ऊपर नीचे करके डालते हो तो उस हिसाब से इस क्वांटिटी में भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा अंदाजा यहाँ से आ जाएगा कि आपके स्लैब डलने में जो भी मटेरियल लगेगा उसका कितना कॉस्ट आपको लग जाएगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट जोड़ के आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां पर सीमेंट जो है हमारी लगभग 95 बैग्स लगने वाली है 1000 स्क्वायर फुट स्लैब में, और उसका रेट जो हमने 380 पकड़ा है। अब ये दोस्तों ये रेट जो है आपका 400 तक जाते हैं, 420 तक जाते हैं, तो ये अपनी अपनी जगह के हिसाब से वेरी करते हैं, तो यहां पर इसलिए प्राइस भी वेरी कर सकता है। हमको ये 380 में एक बैग पड़ा था, इसलिए दोस्तों हमने 380 का लिया था। तो अब 380 को जो अब हमने 95 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें 95 बैग का कॉस्ट पड़ गया यहाँ पे 36,100 रुपए। तो 36,100 रुपए में आपको 95 बैग सीमेंट मिल जाएगा 380 के प्राइस के। अब तो यहाँ पे 95 बैग को आपको पड़िया। अब सैंड का दोस्तों, यहाँ पे सैंड हमारा यूज हुआ इस रेशियो के हिसाब से 174 क्यूबिक फुट, और दोस्तों इसका ये जो हमें रेट पड़ा था ये 70 रुपीज क्यूबिक फुट के हिसाब से रेट पड़ा था हमें। तो 70 रुपीज क्यूबिक फुट के हिसाब से दोस्तों, जब आप एक क्यूबिक फुट इतने का पड़ा हमें, तो 174 क्यूबिक फुट लगा हमें। तो इस हिसाब से अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 को 174 से, तो हमारा आ गया यहाँ पे 12,180 रुपए लगेगा आपका सैंड में। अब वैसे ही आप यहाँ पे हमारा आता है एग्रीकेट। एग्रीकेट दोस्तों हमारा इस रेशियो के हिसाब से हमें जो लगा वो 350 क्यूबिक फुट हमें लगा, और इसका प्राइस हमें 68 रुपीज क्यूबिक फुट पड़ा। आप दोस्तों ये प्राइस जो है ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको जगह के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, आपको जितना रेट पड़ता है आप वहाँ से उतना रेट लगा करके उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें जब हमने 68 रुपीज़ के क्यूबिक फुट के हिसाब से रेट पड़ा, तो इसके जो हमें ये 350 क्यूबिक फुट है ये हमें कुल मिला के पड़ गया
23,800 रुपए का, तो ये इतना का पड़ा। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट स्टेप पे, आ जाता है स्टील। जो स्टील है जो हमारा है वो 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट में हमें वो हमें 937 केजी आपको स्टील लगा, हमें 937 केजी स्टील लगा, तो और हमें ये स्टील जो पड़ा 61 रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ा। तो दोस्तों 61 रुपए पर केजी के हिसाब से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक केजी का दाम है तो एक केजी को हम 937 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें इतने केजी का दाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 57,157 रुपए मिल गया। अब टोटल जो हमें प्राइस लगा एक स्लैब डालने का मटेरियल का कॉस्ट का जो प्राइस लगा वो ग्रैंड टोटल हमारा यहाँ पर हो गया 1,29,237 रुपए। तो आपको 1000 स्क्वायर फुट स्लैब, 1000 स्क्वायर फुट स्लैब का मटेरियल लेने में और डलवाने में तो 1,29,237 रुपए लग जाएगा। अब इसमें आप लेबर रेट और थोड़ा बहुत बिजली का काम ये सब जोड़ के अपना हिसाब किताब लगा सकते हो कि आपको कितना एक स्लैब डलवाने में खर्चा लग जाएगा मोटा मोटी। तो एक छोटी सी वीडियो थी, एक नॉलेजफुल वीडियो थी आप सभी के लिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं अपनी राय कि आपको अपने स्लैब डलवाने में कितनी बैग सीमेंट लगे, कितना क्यूबिक फुट सैंड लगा, कितना क्यूबिक फुट आपका एग्रीगेट लगा, कितना स्टील लगा, ये मुझे जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपके लिए नहीं और भी लोगों के लिए, वो भी लोग और लोग जो कमेंट पढ़ेंगे उन लोगों के लिए बहुत नॉलेज होने वाला आपका हर एक कमेंट। और दोस्तों अगर आपको कुछ नॉलेज मिला तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड्स को। अच्छी लगे दोस्तों लाइक जरूर करें, अच्छी नहीं लगे डिसलाइक जरूर करें, और दिल में कोई बात हो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर फॉलो जरूर कर ले। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली और एक और नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद जय भारत।